नमस्कार पतेका टीवी खास प्रोग्राम पतेका मंच में हम हाजिर हैं एक बार फिर नई शख्सियत के साथ। आज की जो हमारी शख्सियत है ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये बॉलीवुड में काम कर रही हैं, कई मूवीज में नजर आ चुकी है। हम बात कर रहे हैं रश्मि मिश्रा की। रश्मि की एक मूवी नॉटी गैंग हाल ही में रिलीज हुई है और दर्शकों का भरपूर प्यार इस मूवी को मिल रहा है, तो खास मुलाकात करेंगे रश्मि के साथ। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका पतेका टीवी पर। थैंक यू। आप बॉलीवुड में काम कर रहे हैं रश्मि, राजस्थान से आप हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपकी जो मूवी अभी रिलीज हो रही हुई है इसके बारे में बताइए कि इसमें आपका रोल क्या है, कैसे आपको ये मूवी मिली। सबसे पहले मैं मुंबई में घर पे थी और मेरे पास कास्टिंग का कॉल आया था जी कि एक ऐसे करके स्टोरी है, कॉमेडी फिल्म है और इसमें हर तरीके के फ्लेवर्स हैं, तो आप वो फिल्म करना चाहेंगी क्या? और फिर उन्होंने मेंशन किया कि इसमें डबल रोल है। ओके। तो एक एक्टर के लिए एट द टाइम चैलेंज लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और कहीं ना कहीं उसे पसंद आती है वो चीज। तो जब मुझे डबल रोल का नाम दिया गया और कॉमेडी का नाम दिया गया तो वो मेरे लिए काफी एक्साइटमेंट था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं डायरेक्टर से मिली, जो इनके डायरेक्टर हैं पंकज जैन, उनसे मिली। उन्होंने मुझे स्टोरी नरेट करी और जिस हिसाब से उन्होंने मुझे स्टोरी नरेट करी तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि फ्लेवर्स बहुत हैं उस फिल्म में और सबसे इम्पॉर्टेंट डबल रोल है, जो एक एक्टर के लिए चैलेंजिंग बहुत हो जाता है। और एट द टाइम अपनी पर्सनालिटी को भूल के आप दो किरदार निभा रहे हो, तो जो आप नहीं हो। सो वो काफी इंटरेस्टिंग था और यही एक रीजन था इस फिल्म को चूज करने का। थोड़ा सा बताइए आपका जो दो रोल आपने इसमें किए, क्या किस तरह के कैरेक्टर इसमें मेरा, जैसे अगर आपने फिल्म देखी हो सीता गीता, तो मैं उसे सिमिलर नहीं कहूंगी, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। तो इसमें एक गांव की लड़की और एक शहर की लड़की है, जो कि गांव की लड़की है बहुत सीधी है, किसी से प्यार करती है, ट्राइंगल लव स्टोरी है। और जो शहर की लड़की है, जो आज के टाइम पे लड़कियां जो बोल्ड होती हैं, अपने स्टेप खुद लेती हैं, अगर जरूरत पड़े तो किसी को बेवकूफ भी बना दें, और अपना काम किस तरीके से वो निकालती है, इस तरीके का उसका कैरेक्टर है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो। और इसके अंदर जो मेरे एक्टर्स वगैरह हैं उनका सपोर्ट मुझे काफी मिला। और कहीं ना कहीं अभी तक जो मैंने प्रोजेक्ट्स करे उससे थोड़ा हटके ये प्रोजेक्ट था। और फिल्म खैर दर्शकों को काफी पसंद आई है और उनका प्यार मुझे काफी मिला है। और इसके अंदर सॉन्ग्स हैं जो कि बहुत प्यारे हैं जी। अगर आपने सुना हो चरके दी को, जो सोनू निगम ने गाया है, पलक मुछाल है इस सॉन्ग में। सो अब वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिक्रिएट किया गया है चरके दी को, और काफी सॉन्ग्स प्यारे हैं, सब कुछ है, तो फिर एक्साइटमेंट है। और अगर दर्शकों को पसंद आ जाए तो उससे बढ़कर और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। कुछ खास तैयारी करनी पड़ी क्योंकि आपको दो किरदार एक साथ निभाने थे मूवी में? ऑफकोर्स, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को जब आप निभाते हो तो कहीं ना कहीं प्रिपेरेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो हमने काफी वर्कशॉप्स किए थे, एंड क्योंकि ये था कि हम लोगों को कम शेड्यूल मिल रहा था शूट करने के लिए, और बारिश का सीजन था उस वक्त, तो हम लोग काफी प्रिपेरेशन करके गए थे। और एट द टाइम ऐसा होता था कि अभी मुझे इस कैरेक्टर में डलना है, अभी मुझे उस कैरेक्टर में डलना है, तो आई वाज कंफ्यूज, अच्छा सर मैं अभी जी, क्या जी, 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 तो ये मेरे साथ बहुत होता था। और काफी सुपर एक्साइटमेंट था, और वो आई थिंक ये एक्सपीरियंस मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना एक्टर डबल रोल जरूर करना चाहेगा, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मैं करूं। और मुझे इतना जल्दी ये ऑफर मिलेगा वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट आई एम लकी, आई एम ग्लैड कि मुझे इतना जल्दी ऑप्शन मिला। बाकी जो स्टार कास्ट है मूवी की, उनसे किस तरह का आपको सपोर्ट मिला, कहीं कुछ टिप्स वगैरह आपको मिले हो सीनियर आर्टिस्ट से? ऑफकोर्स, इसमें मनोज तिवारी जी हैं, एंड उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता था क्योंकि वो काफी फिल्में कर चुके हैं, इनफैक्ट कॉमेडी काफी फिल्में कर चुके हैं। सो उनके अंदर यह है कि उन्होंने एक, क्योंकि जब एक गिव एंड टेक एक्टर के बीच में होता है तो आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आती है आपकी, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया अगर कुछ ऐसा लगता था कि हम कहीं अटक जाते थे, बिकॉज ये मेरी कॉमेडी को लेके फर्स्ट प्रोजेक्ट था। सो अगर मैं कहीं अटकती भी थी तो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे मेरे जितने भी को एक्टर्स, मेरी इसमें जो फ्रेंड्स बनी हैं, विविधा जो एक एक्टर है, मोनिका है, सोनिया बंसल हैं, और इसके अंदर कैफ हैं। सो ये काफी, ये जो एक्टर्स थे मेरे साथ में उन्होंने काफी सपोर्ट किया। और जो मेरे हीरो हैं इसके अंदर वीरेन बीका, वो भी राजस्थान से ही है। तो जब मैं ये फिल्म कर रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे को एक्टर कौन है, एटलीस्ट आप किसके साथ आपकी ट्यूनिंग बनने वाली है, तो वो बहुत जाना जरूरी हो जाता है। तो उन्होंने कहा वो आपके राजस्थान से ही हैं और आपके होम टाउन के पास से ही हैं जी। तो वो एक एक्साइटमेंट हो गया था, प्लस हमारी ट्यूनिंग काफी अच्छे से बैठ गई थी और एक ही जगह से हैं, तो ऑफकोर्स तो काफी सपोर्ट मिला, एंड एक्टिंग इज लाइक गिव एंड टेक, तो अच्छे से काम निकला। शूटिंग की कहाँ कहाँ हुई इस मूवी की? इसका शूट हमने गोवा में किया था, मुंबई में किया है काफी ज्यादा शूट इसका, और कुछ गांव में शूट किया है इसका। ओके। अच्छा, इनसे पहले भी आपने कई मूवीज की है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी दर्शकों। जी, इससे पहले मैंने 2017 में मेरी फिल्म आई थी मजास, जो मेरी फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म थी। ओके। प्रियांशु चटर्जी की अपोजिट थी, और ये जो फिल्म थी ये मजास लखनवी, जो अलीगढ़ के बहुत बड़े शायर रहे हुए हैं,
उनकी बायोपिक फिल्म थी ये, और वो मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि थिएटर से निकल के सीधा सिनेमा में जाना बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है वो. सो वो मैंने किया. और सेकंड मेरी फिल्म थी लिटिल बॉय, जो कि अभी जनवरी में रिलीज हुई थी 2019 में. एंड उसके अंदर भी मेरा एक बहुत स्ट्रांग लेडी का कैरेक्टर, जो किस हिसाब से अपने पति को सब मुश्किलों से बाहर निकालती है, कैसे उसको सपोर्ट करती है, वो एक कैरेक्टर था. एंड दिस इज माई थर्ड फिल्म नॉटी गैंग. इसके साथ साथ मैंने 2014 में एक DD1 का सीरियल किया है, प्रगति जी. एक साल तक वो सीरियल चला था. एंड साइड बाय साइड वेब सीरीज विक्रम भट्ट की मेमोरीज था उसका नाम, एंड शॉर्ट फिल्म्स. सो लिटिल बॉय की आप जिससे बात कर रहे थे, आपने उसमें बताया कि एक लेडी की कहानी है जो अपने हस्बैंड को, तो आपको कभी डर नहीं लगा कि इतनी जल्दी आप इतनी कम एज में इस तरह की कोई भूमिका निभा रही है, टाइप्ड हो सकती है? नहीं, एक्चुअली जब मुझे ब्रीफ करी गई थी तो वो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग रोल था, नो डाउट, क्योंकि ये भी एक बायोपिक हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अरुणाचल के यमलंग अंचुंग करके एक पर्सन है, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री ली गई है इसके अंदर. इसको नो डाउट थोड़ा कमर्शियल बनाया गया था, बट उनकी लाइफ की जर्नी बताई गई है. तो जब मैं उनकी वाइफ से मिली थी, उनकी मैम से, जो मैम है उनकी वाइफ, तो उन लेडी को देख के हेड्स ऑफ होता है, क्योंकि किस हिसाब से जब उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, जिस जेल में वो बंद थे, किस हिसाब से उन्होंने बच्चों को अकेले पाला, कैसे अकेले पॉलिटिक्स की कैंपेनिंग करी उन्होंने, तो लिटरली जब मैं उनकी स्टोरी सुनती थी मेरे रूटबम्स खड़े होते थे, कि मतलब ऐसी लेडी भी होती हैं. एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वहां के रस्ते अरुणाचल में जो हमने शूट किया था रियल लोकेशन पे, तो उनके रस्ते काफी उबड़ खाबड़, वो लेडी बच्चे को साथ में लेके ड्राइव करती हैं जी. और जब वो, अभी मैं बता रही हूँ तो लिटरली तो, बट उन्होंने जिस हिसाब से वो स्टेप उठाए हैं, जिस हिसाब से अकेले पूरे सिटी के लोग उनके अगेंस्ट हुए, कैसे लोगों को पॉजिटिव किया, किस हिसाब से उनको पॉलिटिक्स में वापस लेकर आई हैं, तो वो उनको देख के मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिला था. और उसमें एक सीन है, अगर आप फिल्म देखी हो आपने, तो उसके अंदर वो मार्केट में घूम घूम के लोगों से वोट मांगती हैं, करती हैं. तो जब मैं वो सीन कर रही थी, तो जब मैं उन मैम से मिलकर आई, तो जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो और ऊपर चला गया था, क्योंकि एक लेडी को आप ऐसे देख रहे हो जो आपके सामने है और जो ये कर चुकी हैं. जब वो मुझे ये स्टोरी बताती थी तो वो लिटरली रोती थी. उस मूवी का मैं जो था वो कैरेक्टर आपका किस तरह का था उसके बारे में जी, जो मेरी मजाज फिल्म थी, फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म, उसके अंदर जो मेरा कैरेक्टर था वो मजाज साहब की प्रेमिका का कैरेक्टर था. वो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और बचपन में बिछड़ जाते हैं, जवानी में जाके मिलते हैं, और फिर कई मुश्किलें ऐसी आती हैं कि मजाज साहब जॉब नहीं कर पाते, तो उनके जो वालिद होते हैं, जो उनके फादर होते हैं, वो उनसे सगाई तुड़वा देते हैं. मजाज साहब किस तरीके से अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं शराब के चक्कर में सब, और अगर आप उनके बारे में जानेंगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे शायर रहे हुए हैं वो. तो उनकी पूरी वो लाइफ की जर्नी, और जो मेरा इसमें कैरेक्टर था बहुत ही स्वीट गर्ल, इनोसेंट मुस्लिम लड़की का कैरेक्टर, जो बहुत लविंग है, केयरिंग है, और सिर्फ वो एक जने से मोहब्बत करती है, और पूरी लाइफ, उनकी शादी किसी और से हो जाती है, पूरी लाइफ बीतने के बाद में भी वो उनसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ पाती. कहीं आपको शेर व शायरी वगैरह का भी शौक है? शौक बहुत है, मैं बोल नहीं पाती हूँ, बट मुझे सुनने का बड़ा शौक है. अगर मुझे कोई सामने शायर मिल जाए तो बस इशाद इशाद चालू ही रहता है, क्योंकि मुझे सुनना बेहद पसंद है, और उनके जो अल्फाज होते हैं और जिस हिसाब से वो बारीकियों को पेश करते हैं शायद, तो मतलब सुपर्ब. अपने बोला अपने वेब सीरीज में भी काम किया है, तो कौन कौन सी वेब सीरीज में? मैंने एक वेब सीरीज करी है विक्रम भट्ट की, जो मेमोरीज वेब सीरीज आई थी, दैट वाज नॉट लीड, बट उसमें काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, वो मेरी फर्स्ट वेब सीरीज थी जी. और इसके साथ साथ मैंने शॉर्ट फिल्म्स करी हैं, थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी है, एंड स्वच्छ भारत को लेकर है. अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट फिल्म कंप्लीट करी है, मिस्टर लोमहर्ष डायरेक्टर हैं उनके साथ में, वो एक पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर है, कश्मीर पाकिस्तान इसके मुद्दे पे है, तो वो जल्द ही डिस्क्लोज होगी और 2019 में ही वो रिलीज करने वाले हैं. और उसका मुद्दा भी बहुत अलग है, वो जो मैंने कैरेक्टर किया है वो भी मैं बोलूंगी कि बहुत हटके कैरेक्टर है. लोमहर्ष आए थे कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे, उन्होंने हमें बताया भी था कि एक मूवी उनकी कश्मीर मुद्दे के ऊपर आने वाली है, मुझे लगता है शायद आप उसी मूवी जी, हाँ जी, के बारे में उन्हीं के साथ अभी अभी रिसेंटली उनकी भी फिल्म आई थी जी जी, सो उन्हीं के साथ मेरा एक प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुआ है जस्ट अभी, सो वो भी जल्द ही मार्केट में आने वाला है. इससे पहले आपने थिएटर भी किया? जी, एक्चुअली थिएटर से ही मैंने शुरू किया है, जयपुर में कॉलेज के साथ साथ मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, साइड में ही मैं मॉडलिंग कर रही थी, एंड
थिएटर से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, एक जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है और मैं लोगों को फेस कर पाती हूँ, मेरी जो स्टोरीज हैं मैं किस हिसाब से अपने आप को बयां कर पाती हूँ, और हर एक कैरेक्टर के लिए आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो थिएटर ने मुझे इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया है। रश्मि एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपकी थिएटर्स की जो लाइफ है या फिर जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगी। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं पत्रिका मंच में, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी रश्मि से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं पत्रिका मंच और हम बात कर रहे हैं रश्मि से। तो रश्मि जैसे ब्रेक से पहले बता रहे थे थिएटर से आपने शुरुआत की, तो आपकी थिएटर की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई, कितना समय हो गया उसको, किस तरह के थिएटर आपने किए यहाँ जयपुर में प्ले वगैरह? एक्चुअली जयपुर के जो थिएटर है, एक मेरी सिस्टर के कॉलेज में ही एक सर थे, तो वो कॉलेज में पढ़ाते भी थे और थिएटर की क्लासेस भी लेते थे जी। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी सिस्टर है तो अगर उसे तुम थिएटर ज्वाइन कराओ, अगर शायद वो अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे एक्टिंग में तो एक्चुअली बहुत पहले से आना था, बट एक होता नहीं कि आपको रास्ता नहीं समझ आता कि आप कैसे जाओगे, किस वे में जाओगे, किससे मिलोगे, आपको कुछ नहीं पता होता। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया और मैंने शौकिया ही किया था क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे बॉलीवुड का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, बॉलीवुड आप छोड़िए एक्टिंग से दूर दूर तक नाता नहीं है। तो वहाँ पे मैं गई, मैंने थिएटर किया, मैंने सीखा और फिर पहले तो मैंने छोटे छोटे कैरेक्टर्स करे। मेरा फर्स्ट प्ले था आषाढ़ का एक दिन, फेमस प्ले जी। तो मैंने उसमें रंगिनी संगिनी में से रंगिनी का कैरेक्टर किया था। तो बहुत चुलबुली और फुल नौटंकी कैरेक्टर था वो, तो सर को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो फिर धीरे धीरे हम लोग बिल्डअप हुए, तो धीरे धीरे फिर मैं लीड में आने लग गई और फिर वही सर को लगा कि शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे जो डायरेक्टर थे संदीप लेले जी, जो अभी भी थिएटर करते हैं जी, तो उन्होंने फिर उन्हीं के थ्रू एक्चुअली मैं मजाज फिल्म कर पाई। आपको एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ एक बड़े प्ले में काम करने का मौका मिला जी। और जब उन्होंने मुझे ये चीज बोली, तो मतलब अगर ये बात अगर मैं अभी बोलती हूँ, अभी मैं सोचती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे डांट के भेजा था मजाज फिल्म के लिए। अच्छा। कि नहीं आप जाओ। मैंने कहा सर मैं अभी रेडी नहीं हूँ सिनेमा के लिए। बोला नहीं तुम जाओगे जाओगे। तो मैं जब गई थी, एंड थैंक्स टू संदीप सर कि उन्होंने मुझे भेजा, और आज मैं तीसरी फिल्म कर रही हूँ, क्योंकि अगर शायद मैं यही सोचती रहती कि आई एम नॉट रेडी तो शायद मेरी तीसरी फिल्म आज ना हो रही होती। तो ये कह सकते हैं कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा नहीं रहा आपका मुंबई में? जी मुंबई नहीं, क्योंकि मेरी शुरुआत ही, फर्स्ट फिल्म का सिलेक्शन ही मेरा जयपुर से हो गया था, तो मुंबई में स्ट्रगल हुआ मुंबई पहुंचने के बाद जी, क्योंकि मैंने अपनी मूवी की शूट कंप्लीट करी, उसके बाद मैं घर आई, फिर मैंने घर वालों से डिस्कस किया कि अब मुझे मुंबई जाना है क्योंकि अब मैं नहीं रुकने वाली हूँ। तो घर वाले अब उस बात के लिए रेडी नहीं कि अकेले कैसे भेज दें, कोई है नहीं वहां पे, किसको जानोगी, किसको मिलोगी, किससे क्या बात करोगी, बट था कि नहीं जाना ही है कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ काम। तो फिर पेरेंट्स ने मुझे 2 महीने की मोहलत दी थी कि ठीक है आप जाओ 2 महीने और अगर कुछ नहीं होता है देन कम बैक। क्योंकि मैं यहाँ मॉडलिंग का काफी अच्छा काम कर रही थी, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी थी। तो फिर मैं 1 महीने मुंबई, तो यही सोचती रही कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी। फिर उसके बाद 1 महीने बाद मुझे मेरे जो एक सर थे, ऐसे सर भी नहीं बोलूंगी, नॉर्मल कास्टिंग वाले से मुलाकात हुई, उसने कहा वहां पे सीरियल चल रहा है और तुम शायद उस कैरेक्टर में फिट हो तो तुम जाके मिलकर आओ। तो मैं गई और फर्स्ट टाइम में मैंने एक्ट करके दिखाया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि ठीक है यू आर परफेक्ट। तो उन्होंने मुझे 6 से 7 बार बुलाया, कह रहे हैं कि तुम फिट हो बट 6 से 7 बार बुलाते जा रहे हैं। तो मैंने फाइनल बार मैंने कहा सर आई एम कमिंग इन 7 टाइम्स, अब आप मुझे फाइनल बताएं कि मैं कर रही हूं कि नहीं, तो मैं 8वीं बार आऊंगी, अदरवाइज आई विल नॉट कम। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम सेलेक्ट हो। तो मैंने कहा ठीक है, इससे बेटर और क्या चाहिए। तो शाम को मैंने पापा को कॉल किया कि अब मैं वापस नहीं आ रही हूँ, क्योंकि सीरियल मिल चुका था, एक जरिया हो गया था कि ठीक है अब मैं मुंबई रह रही हूँ, एटलीस्ट 1 साल तो सीरियल कहीं नहीं हिलने वाला है। फिर 1 साल मैंने प्रगति सीरियल किया DD1 का, तब तक मेरी फिल्म रिलीज होने आ गई, फिर बस उसका सिलसिला शुरू। अच्छा, इससे पहले जब आपने सोचा था कि आपको एक्टिंग करनी है, थिएटर में आपने आने का डिसाइड किया, तो पेरेंट्स का उस वक्त रिएक्शन किस तरह का था, उनका उनका सपोर्ट था आपको तब? एक्चुअली मैं घर पे थोड़ी ड्रामेबाज हूँ, मतलब अगर मैं, मेरे भाई हैं, मेरी सिस्टर हैं, तो मतलब अगर सबसे ज्यादा अगर घर में ड्रामा होता है तो मेरा ही होता है, नौटंकी फुल ऑन ड्रामा चालू रहता है। तो मैं जब छोटी थी तो मैं पापा को कहा करती थी कि पापा सोचो अगर ना, आई लव सलमान खान, मतलब वो मुझे बेहद पसंद है, क्रश है मेरे बचपन से, कि सोचो मुझे कभी चांस मिल गया तो आप भेजोगे क्या? तो पापा बोलते थे हाँ भेज दूंगा। अब वो उन्हें क्या पता था, जब मुझे फर्स्ट टाइम फिल्म ऑफर हुई मैंने कहा पापा मुझे ऑफर मिल चुका है और मैं जाना चाहती हूँ, मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ, प्रियांशु चटर्जी हैं और बायोपिक फिल्म है, बॉलीवुड फिल्म है, बस ये वो। घर वाले
खुश थे, मतलब उनका मिक्स रिफ्लेक्ट हो रहा था फेस पे कि हम खुश हुए या अब ये जा रही है वहां पे क्या कैसे करेगी बॉलीवुड। मतलब अगर हम नॉर्मल फैमिलीज की बात करें, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो मैं ये ऐसा होता है कि है ना उनका होता है कि नहीं बॉलीवुड लाइक पता नहीं क्या। तो फिर पेरेंट्स को कन्विंस किया बहुत, फिर घर वालों को पता चला फैमिलीज में, फैमिलीज के कॉल आने स्टार्ट, अगर आप पागल हो गए हो लड़की को मुंबई भेजो, अकेले भेजोगे, ऐसे लोग हैं, इंडस्ट्री बहुत खराब है, ये है वो है। मगर मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। पापा ने एक ही चीज कही कि आप जाओ अच्छे से काम करो, कोई गलत काम नहीं करना है, कम काम करो अच्छा काम करो, और विश्वास कभी किसी चीज का तोड़ना नहीं। और वो चीज आज तक मैं उस रूल को लेकर चल रही हूँ, और आज उनका सपोर्ट, अभी ये हो गया कि अभी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, अब ये हो गया कि अरे वो तो हमारी बच्ची है, तो अब अच्छा लगता है कि चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, आज सब अच्छा है, आज पूरी फैमिली साथ है, तो वो सब देख के अच्छा लगता है। जैसे भी आप बोल रहे थे कि सबने कहा कि इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, कैसे कैसे लोग आपको मिलेंगे, तो एक कास्टिंग काउच हम आए दिन सुनते रहते हैं इंडस्ट्री को लेकर, आपको लगता है आपको कभी इस तरह की कोई चीज का सामना करना पड़ा? जी जरूर, क्योंकि है ना हम कहीं ना कहीं आउटर इंडस्ट्री की बात करें, जो इंडस्ट्री से नहीं आए हैं, तो वो लड़कियों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं सबका नहीं कहूंगी किसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हर एक इंसान का लाइफ का अलग एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ में एक जब मैं मुंबई गई थी तो एक दो बार जरूर मेरा एक्सपीरियंस हुआ था ऐसा, बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने आप को कैसे हैंडल कर रहे हो, आप किस तरीके से काम करना चाहते हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप ऐसे लोगों से बच के रहिए, अभी तो बहुत सारी चीजें हो गई सोशल मीडिया में, 5 मिनट में आ जाता अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो। तो उस टाइम पे एक दो बार मुझे ऐसी चीजें फेस करनी पड़ी थी, बट आई नो वेरी वेल कि उस चीज को कैसे हैंडल करनी है। और बस फिर और ये होता है कि आपकी लाइफ में अगर अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग आने लग जाएं और आपको एक काम की समझ हो जाए कि कहां कैसे क्या करना है, तो थोड़ा इजी वर्क हो जाता है जी। तो था ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं चीजें, बट बहुत अच्छे से टचवुड इतनी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई नहीं है, बहुत अपने लेवल पे ही उस चीज को हैंडल कर लिया। और खैर अभी अभी तो ऐसा है कि अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है जी, तो उसके जरिए काम चालू है। आपने बोला था मॉडलिंग भी आप कर रहे थे यहाँ पे, तो मॉडलिंग की शुरुआत आपकी कब हुई थी? फर्स्ट शूट आपको याद है किसके लिए आपने किया था? जी फर्स्ट शूट मेरे ब्रदर हैं, उनका नाम सौमिल मिश्रा है जी, और वो कॉलेज में मैंने फर्स्ट मॉडलिंग स्टार्ट करी थी, तो मैंने अपने ब्रदर के साथ ही करी थी। और वो कोरियोग्राफर थे और शो ऑर्गेनाइज करते थे, तो उन्होंने बोला कि चल ठीक है मॉडलिंग का फर्स्ट शो। और वो लाइफ में मैं कभी नहीं भूल सकती जिस हिसाब से मेरे ब्रदर ने, क्योंकि एक एक्टिंग करना, एक मॉडलिंग करना, रैंप वॉक चलना और वो सारी चीजें, तो वो अलग ही चकाचौंध थी उस हिसाब की। तो वो मेरे ब्रदर के थ्रू हुआ था फर्स्ट टाइम। फिर 2012 में जयपुर में ही एक पेजेंट हुआ था, ब्यूटी पेजेंट, उसका नाम था पनाश। सो उसमें मैं विनर रही थी ब्यूटी पेजेंट में, तो वहां से और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। फिर मुंबई से कॉल आया था, अथर्वा कॉलेज है जो इंडियन प्रिंसेस करवाता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनका कॉल आया था और वहां भी मैं सेलेक्ट हुई थी, बट किसी कारण से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। मैं एक्चुअली यही पूछना चाह रहे थे कि आप बहुत खूबसूरत है और आपने इस तरह के प्रेजेंट में पार्टिसिपेट किया, तो आपने सोचा नहीं कि और ब्यूटी प्रेजेंट में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या इस तरह का कुछ? नहीं, एक्चुअली एक्टिंग को लेकर मेरा ज्यादा फोकस रहा है मॉडलिंग के बजाय। और खैर इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि मैं और पेजेंट्स करती, मुझे सजेस्ट किए गए थे सारी चीजें, बट मुझे कहीं ना कहीं लगी रहा था कि एक्टिंग आई थिंक मेरा पहला प्यार है, तो एक्टिंग को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी। मॉडलिंग मैं आज भी करती हूँ और काफी सारे शूट्स भी करती हूँ ब्रांड्स के लिए जी, बट एक्टिंग से बढ़ के कुछ नहीं। रश्मि एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में फिर आपसे थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली, आपकी लाइक डिसलाइक उनके बारे में जी जरूर। तो पत्रिका में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी रश्मि से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं पत्रिका मंच और हम बात कर रहे हैं रश्मि से। रश्मि ये सारी बातें तो हम कर रहे थे आपके करियर से रिलेटेड, अब मैं थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, उनके बारे में जानना चाहूँ, उनके बारे में थोड़ा बताइए कौन कहाँ क्या कर रहे हैं सब। ओके, मेरे फादर, मदर एंड मेरी दो सिस्टर्स हैं और एक मेरा बड़ा भाई है, तो हमारी छोटी सी फैमिली। और उसके अंदर ये है कि मेरे फादर है जो प्राइवेट जॉब में है और मदर मेरी हाउसवाइफ है, ब्रदर हैं जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं और साथ में मॉडलिंग इवेंट शो, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा पहला करियर उन्हीं के साथ था। और मेरी जो सिस्टर है वो न्यूज एंकर है। सो अभी ये था कि मेरी फिल्म के प्रमोशन के लिए हम लोग ऐसे बात करते थे कि जब मेरी फिल्में आएगी तो तू मेरा इंटरव्यू लेना।
तो लास्ट दो टाइम्स ऐसा हो पाया था कि मैं उसके साथ इंटरव्यूज नहीं कर पाई थी, तो लकीली नॉटी गैंग के लिए मैंने उसके साथ इंटरव्यू किया एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. मतलब मेरी लाइफ का फर्स्ट कि एक सिस्टर आपका इंटरव्यू ले रही है और दूसरी आपका इंटरव्यू मतलब अपनी फिल्म के लिए इंटरव्यू दे रही है, तो वो एक बहुत बेस्ट मोमेंट था हम लोग का. क्योंकि जो एक वो चीज होती है ना कि आप जब एक बात करते हो एक दूसरे से और वही चीज हो जाए तो वो बहुत एक अच्छा मोमेंट हो जाता है. और मेरी एक छोटी सिस्टर है जो कि अभी फोर्थ में हुई है कंप्लीट, मतलब शी इज अडॉप्टेड, तो वो अभी बहुत छोटी हैं और वो अभी फोर्थ में आई हैं. ये मेरी छोटी सी फैमिली और सब लोग जयपुर में ही रहते हैं, मैं अकेले मुंबई. तो आप मूल रूप से जयपुर के रहने वाले, राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान में अगर आपने सुना हो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जी, तो वहाँ पे एक स्मॉल टाउन है बिसाऊ, चूरू के आसपास पड़ता है, बहुत कम लोग जानते होंगे दोनों. सो मेरा बेस वहाँ का है, होम टाउन मेरा वो है, बॉर्न मेरा मुंबई हुआ है और स्कूलिंग मैंने बहुत घूम फिर के मुंबई और इंदौर, फिर अपने गांव, फिर जयपुर, तो ऐसे स्टडी वगैरह सब मेरा घूम घूम के हुआ है. और फाइनली वही था कि जहाँ बॉर्न किया अभी वहीं पे ही लाइफ सर्वाइव कर रही हूँ. बाकी इंटरेस्ट वगैरह क्या है आपके? एक्टिंग तो आपका एक तरह से करियर हो गया, पैशन हो गया. बाकी हॉबीज आपकी, लाइक डिसलाइक क्या है, क्या पसंद है? मुझे बोलना बहुत पसंद है, बातें करना बड़ा पसंद है. कोई वो पता चल रहा है, वो पता चल रहा है. अगर मुझे कोई अच्छा कंपनी मिल जाए तो बात करवा लो, मस्ती करवा लो, घुमा लो फिरा लो. आई एम नॉट काइंड ऑफ लाइक कि आई लव रीडिंग, आई लव कुकिंग, मैं थोड़ी वैसी लड़की नहीं हूँ. और खैर थोड़ी बस मुझे बस ऐसा है कि अगर फ्री टाइम है तो अपनी लाइफ इंजॉय करो, मस्ती करो और घूमो फिरो. अच्छा, आपके जो स्कूल कॉलेज के जो आपके फ्रेंड्स रहे हैं उनसे आप अभी टच में हैं? क्योंकि अब आपका शेड्यूल काफी बिजी हो चुका है, तो कितना एक्चुअली मेरी स्कूल की फ्रेंड्स हैं जो हम लोग आई थिंक फिफ्थ से साथ में हैं, फिफ्थ सिक्स से साथ हैं, तो वो फ्रेंड्स आज भी हैं. मतलब उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, बट आज भी हम कनेक्ट हैं. और काफी उनमें से दो लड़कियां तो मुंबई में ही हैं, तो खैर मैं अभी तक उनसे मिल नहीं पाई हूँ, वो अलग बात है क्योंकि वो काफी दूर रहती हैं, मेरा शेड्यूल टाइट रहता है. बट हम लोग फोन पे हमेशा कनेक्ट रहते हैं कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो हम लोग एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं. तो वो एक चीज अलग ही मजा आता है क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा होता है जब मैं बहुत ज्यादा फ्री होती हूँ तो हम लोग ग्रुप बना रखा है हम लोगों ने, तो हम लोग चैटिंग करते हैं कि ये ना और क्या चल रहा है लाइफ में, तो वो यही कि तू तो बहुत बिजी है, तुझे टाइम नहीं है. तो वो ये नहीं देखते कि उनको भी घर गृहस्थी से टाइम नहीं है, मिलना नहीं हो पाता, बट कनेक्ट आज भी है. और मैं अपने आप को इस बात के लिए लकी मानूंगी कि जो लोग मेरी लाइफ में आए हैं, जिन लोगों के साथ मैं जुड़ी हूँ, वो लोग आज भी मुझसे कनेक्टेड हैं और मैं उनसे कनेक्टेड हूँ. तो वो चीज अच्छी लगती है जब आप पुरानी मेमोरीज याद करते हो, तो आज भी हैं वो सारे फ्रेंड्स. जैसे आपने बोला फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है, मैरिड है, सब बच्चे गृहस्थी उनकी, तो रश्मि का अपना फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो कब सेटल होने वाले हैं? मैम अभी तो काम ना के बराबर किया है. तो मतलब अभी तो मतलब मैं ये मानती हूँ कि अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैं सिर्फ अपने आप को पॉलिश कर रही हूँ काम करके. तो अभी तो थोड़ा काम कर लूँ, उसके बाद डेफिनेटली होगा. बिल्कुल क्यों नहीं होगा, जरूर. अगर कोई भी यूथ, चाहे वो जयपुर का हो या ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, जब बॉम्बे जा रहा है बॉलीवुड में उसे करियर बनाना है, किन चीजों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है? सबसे पहले बात तो कि अपना क्राफ्ट स्ट्रांग करें, क्योंकि अगर आप बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे आसपास भी ऐसे लोग रहे हैं और इंक्लूडिंग मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करूंगी, कि आप अपना क्राफ्ट कंप्लीट नहीं कर पाते हो, आप पूरी तैयारी नहीं कर पाते हो और आप मुंबई के लिए निकल जाते हो. और मुंबई ऐसा शहर है कि अगर आपको एक बार अपना लिया तो आप लाइफ टाइम के लिए उनके हो गए, और नहीं अपनाया तो आप फिर बहुत जल्द आ जाते हो. तो पहले सबसे पहले तो अगर आपको एक्टिंग में आना है, आप काम करना चाहते हैं, तो अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है. और अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें, लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, मैं जाके वापस आ गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन होगा कुछ ना कुछ, या तो हमें कमी होगी या हमने उतने एफर्ट्स नहीं लगाए होंगे. क्योंकि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं आप अच्छा काम करें और आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको काम जरूर मिलेगा, बट आपको काम मिलेगा जरूर. तो बस अपने ऊपर काम कीजिए अच्छे से, और आप फिट होंगे तो डेफिनेटली आपको उस चीज के लिए काम मिलेगा. रश्मि, ये तो सारी चीजें होगी, आपकी करियर, फैमिली, सब चीजें. मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक पे आपसे थोड़ा सा आपके व्यूज में लेना चाह रही हूँ, बात करना चाह रही थी. आप राजस्थान से ही हैं, लड़कियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करनी पड़ती है. और उसके बाद अभी हाल ही में अगर आपको पता हो तो राजस्थान में कई सारी घटनाएं, गैंग रेप की घटनाएं हुई है,
क्या कहना चाहते हैं आप इन सब चीजों को लेकर के? सबसे पहली बात तो ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बट बेटी को बचाओ मत। सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है कि जब आप एक लड़की को बचाते हो आप किससे बचा रहे हो? अपने आसपास के लोगों से। और आपको उसको बचाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? आप उसे इतना कैपेबल बनाइए कि वो अपने आप को बचा सके, किसी और की उसे जरूरत ना पड़े। मानती हूँ मैं कि लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, लड़कियों को थोड़ा प्रोटेक्ट करना पड़ता है, बट हम उसे प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम उतना उनको उस कॉन्फिडेंस में नहीं ला पाते कि तुम अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हो। आज देखा जाए तो कई जगह ऐसी है जहां पे लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई हैं। बिल्कुल। और कई जगह आज भी ऐसी है जहां पे 18 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है। मैं अगर अपने गांव की बात करूं तो जब मैं वहां जाती हूं मुझे ऐसा सुनने आता है पीछे वाली गली में उस लड़की की शादी हो गई, उसके दो बच्चे हैं। एंड आई वाज शॉक्ड कि वो सिर्फ जस्ट सी 18 इयर्स, और आप कैसे कर सकते हो? बट एंड में वही होता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं होता, आप कितना लड़ लोगे, किस किस से लड़ लोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि आप खिलवाड़ मत कीजिए। बच्ची हो गई है, शादी करनी है, ये करनी है, करिए आप शादी। आप उनको करियर नहीं बनाने देना चाहते मत बनाइए, बट उनका शोषण मत कीजिए। और अगर आप आज के टाइम पे लड़कियों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मुझे मेरे फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला है, कभी लड़का लड़की का भेदभाव नहीं किया, तो सबसे पहले तो ये भेदभाव बंद कीजिए कि तू लड़का है तो तू रात को जा सकता है, तू ये कर सकता है, तू लड़की है तो तू ये नहीं कर सकती। उसे इस तरीके का कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो अपने लिए खुद लड़ सके, अपने आप को प्रूव कर सके। और आप जब तक उसे मौका नहीं देंगे कि वो अपने आप को प्रूव करे तो वो किस तरीके से आगे बढ़े? मुझे लगता है बहुत सीरियस हो अपनी बातचीत। नहीं, एक्चुअली ये जब मैं टॉपिक जब मुझे आता है तो सच में मुझे उन पेरेंट्स पे बहुत गुस्सा आता है जो समाज की बातें करते हैं। कौन है ये समाज? बिल्कुल, हम ही है ना वो समाज। जब तक हम हमारे घर में ही नहीं बदलेंगे तो बाहर के लोगों से आप किस बात की उम्मीद कर रहे हो? सही, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने रश्मि। चलते चलते मैं चाह रही थी आपके जो फ्रेंड्स जिनसे आप बहुत कम टच में रह पाती हैं, कई बार नहीं मिलना हो पाता उनसे, बिजी हैं आप, हैं क्या कहना चाहेंगे जो भी आप कहना चाहें? सबसे पहली बात तो जिनसे मैं नहीं मिल पाती हूँ मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मतलब मेरे जितने भी लोग हैं सबको लव यू सो मच। और मेरी बस आप लोग हैं, आप लोगों का प्यार है, आप लोग इतना अंडरस्टैंड कर जाते हो, इसलिए मैं थोड़ा 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 काम कर रही हूँ। और आप लोग का बस यूं ही प्यार मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे, मैं और अच्छा काम करती रहूँ। और आई विश कि मैं जब भी फ्री टाइम में हूँ आप लोगों से मिलूँ, आप लोगों से बैठ के खूब सारी बातें करूँ जैसे मैंने मैम से करी है। सो लव यू सो मच, और आप सपोर्ट करते रहें। रश्मि बहुत बहुत शुक्रिया आप आए पत्रिका स्टूडियो, और आपकी जो मूवी है हम चाह रहे हैं इसी तरह से आपकी और मूवीज आती जाए एक के बाद, और उनको सबको दर्शकों का प्यार मिला, आप सक्सेस हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया। तो पत्रिका मंच में ये थी हमारी साथ रश्मि मिश्रा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।